एपिसोड 104 104। परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए। तदपि जाय तुम्ह करहु अब जथा वंश व्यवहारु। बुझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठए दूत बोली ते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरु संवार हु चारि हु पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचु पाई। पठे बोली गुण
सुनी तिन्ह नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना विधि ही बंदी तिन्ह कीन आरंभा विरचे कनक कदली के खंभा हरित महिन के पत्र फल पदुम राग के फूल रचना देखी विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल हरित मनिमय सब कीन्हे सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे कनक कलित अहि बेली बनाई लखी नहीं परहि सपरन सुहाई तेहि के रचि पचि बंध बनाए बिच बिच मुकुता दाम सुहाए मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पछी रचे सरोजा किए भ्रंग बहुरंग बिहंगा कुंजही पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी कांधी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी चौके भांति अनेक पुराई सिंधुर मणिमय सहज सुहाई सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे मंगल कलस अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए दीप मनोहर मणि मयनाना जाई न बरनी विचित्र बिताना जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही सोबर ने असिमति कवि केही दूलहु राम रूप गुण सागर सोबितानु तिहु लोक उजागर जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी जेहि तरहुति तेहि समय निहारी तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोकि सुर नायक मोहा